Hello students, welcome to Sandeep Sharma sir's English classes. Today we are going to study A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. And today we are going to study only word meanings of this chapter. I have tried to include each and every difficult word from this chapter in this video. So students, let us start. With the hope that you each and every difficult word will be clear to you all. Words and their meanings. First word is students, stock. Stock means stride somewhere in a proud, stiff or angry manner. In Hindi we can say students, stock means hota hai chalna. Lekin chalna bahut sari tarah ka hota hai na. Stock hota hai akad kar chalna, ek proud mein chalna, ek shaan se chalna. है ना, थिंकिंग दैट यस आई एम समथिंग. तो आई एम समथिंग वाली फीलिंग के साथ चलना. मीनिंग इज स्ट्राइड समवेयर. स्ट्राइड मीन्स भी टहलना होता है, लंबे लंबे बड़े बड़े कदमों से वॉक करना. तो स्ट्राइड समवेयर इन अ प्राउड स्टिफ और एंग्री मैनर. प्राउड स्टिफ और एंग्री. प्राउड मीन्स घमंड में, स्टिफ मीन्स अकड़ में या गुस्से में. घमंड में, अकड़ में या गुस्से में मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए वी से स्टॉक. सेकेंड वर्ड इज विविड. विविड मीन्स वेरी ब्राइट. विविड मीन्स स्टूडेंट वेरी ब्राइट. मैं आपको बता दूं, स्टॉक, द वर्ड स्टॉक हैज बीन यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ टाइगर. टाइगर के मूवमेंट को यहाँ पर इस चैप्टर में स्टॉक वर्ड का यूज किया गया है. तो टाइगर तो आप समझ ही सकते हैं कि टाइगर इज वेरी पावरफुल. अपने आप में एक शान वाला एनिमल होता है, शालीन एनिमल होता है. तो उसकी वॉकिंग को स्टॉक बोला गया है. सेकेंड वर्ड इज विविड. विविड मीन्स वेरी ब्राइट. तो टाइगर की बॉडी पर जो स्ट्राइप्स होती हैं, जो धारियां होती हैं, जो लाइंस होती हैं, वो बहुत ब्राइट कलर की होती हैं. ब्लैक एंड ब्राउन बॉडी जो होती है उसकी, ब्राउन बॉडी पर, ब्राउनिश बॉडी पर ब्लैक कलर की जो लाइंस होती हैं उनको बोला गया है विविड, यानी वेरी ब्राइट लाइंस. थर्ड वर्ड इज स्टूडेंट्स केज. केज मींस अ बॉक्स मेड ऑफ बार्स और वायर्स इन विच एनिमल्स और बर्ड्स आर केप्ट. अ बॉक्स मेड ऑफ बार्स. स्टूडेंट बार्स मींस रॉड्स. इन हिंदी वी कैन से सरिया, जो आयरन के होते हैं ना, ये टाइगर के आगे जो लगे हुए हैं, टाइगर के आगे जो गेट्स आपको दिख रहा है, तो ये रॉड्स है ना, यानी रॉड्स को हम बोलते हैं बार्स. तो अ बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स मेड ऑफ बार्स और वायर्स, जो या तो रॉड्स का बना हुआ होता है या वायर्स का बना हुआ होता है. इन विच एनिमल्स और बर्ड्स आर कैप्ट, जिसमें एनिमल या बर्ड्स को रखा जाता है. केज हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट हम इसको पिंजरा. पिंजरा. नेक्स्ट वर्ड इज पैड. पी ए डी पैड. तो पैड, पॉज ऑफ टाइगर. स्टूडेंट पैड वैसे तो कोई भी गुदगुदा चीज हो सकती है, गुदगुदा मटेरियल हो सकता है, लेकिन इन दिस चैप्टर, इन दिस पोएम हियर, द पैड हैज बीन यूज्ड फॉर द सॉफ्ट पॉ ऑफ टाइगर. जो टाइगर के पंजे होते हैं, नीचे से बहुत सॉफ्ट होते हैं, गुदगुदे होते हैं, उनको पैड बोला गया है. टाइगर के पंजे के निचले वाले हिस्से को पैड बोला गया है. वो पैडेड होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि व्हेन टाइगर मूव्स तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेस अबाउट हिज मूवमेंट. उसके मूवमेंट के बारे में पता नहीं चलता है कि टाइगर आ रहा है. इसीलिए तो ये दबे पांव जाता है और किसी पर भी अटैक कर देता है. इसकी आवाज़ का पता ही नहीं चलता है. अब आप हॉर्स को देख लीजिए. हॉर्स का जो फुट होता है, हॉर्स का फुट बहुत हार्ड होता है, एकदम स्टोन की तरह. हॉर्स जब मूव करता है तो टप 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 की आवाज़ आती है. अगर हॉर्स का हूफ भी पैडेड होता, अगर उसमें भी गुदगुदा सा सॉफ्ट मटेरियल लगा हुआ होता, तो किसी को नहीं पता चलता उसकी आवाज़. एलिफेंट है, एलिफेंट मूव करता है तो किसी को पता चलता है? नहीं पता चलता है. लेकिन हॉर्स है, गोट है, ये जो बफेलो है, काव है, इन सबके जो फुट होते हैं, जो लोअर पार्ट ऑफ द फुट होता है, वो थोड़ा सा स्टोनी होता है, और उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हूफ. पैड, पॉज ऑफ टाइगर. टाइगर के पॉ को बोला गया है पैड. थिक पीस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल. किसी भी सॉफ्ट मटेरियल के थिक पीस को भी पैड बोला जा सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स रेज. रेज मीन्स एंगर, गुस्सा, क्रोध. रेज मीन्स एंगर. लर्किंग.
लर्किंग मीन्स टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, अपने शिकार के इंतजार में कहीं छुप कर इंतजार करना, अपने शिकार आने का इंतजार कहीं छुप कर करना। हिंदी में हम इसकी बात करें तो हम बोलेंगे इसको घात लगा कर बैठना। घात लगा कर बैठना मतलब अपने शिकार आने का कहीं छुप कर इंतजार करना, लर्किंग। एनिमल्स ऐसा करते हैं, एनिमल्स वो एनिमल्स जो छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करके खाते हैं, वो एनिमल्स अक्सर घात लगा कर बैठते हैं और जैसे ही उनके प्रे उनके आसपास भटकते हैं वो तुरंत उन पर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइड। स्लाइड मीन्स टू मूव क्वाइटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, चुपचाप से खिसक जाना, किसी को पता भी, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, किसी को पता भी नहीं चले, चुपचाप से कहीं से खिसक लेना, चुपचाप से कहीं से निकल लेना, स्लाइड। नेक्स्ट इज वॉटर होल। वॉटर होल स्टूडेंट्स अ प्लेस इन अ हॉट कंट्री वेयर एनिमल्स गो टू ड्रिंक। हॉट कंट्रीज में एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा वाटर प्लेस होता है जहां एनिमल्स पानी पीने जाते हैं, तो उसी वाटर, छोटी सी वाटर बॉडी को, छोटे से वाटर प्लेस को वाटर होल बोला जाता है। स्नॉल स्टूडेंट्स, एस एन ए आर एल, आर इज साइलेंट इन दिस वर्ड, दिस इज नॉट स्नॉल, दिस इज नॉट स्नेल, द वर्ड इज, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्नॉल। स्नॉल मीन्स टू मेक एन एंग्री साउंड वाइल शोइंग टीथ, यानी कि हिंदी में बात करें तो गुर्राना, गुर्राना, दांत दिखाकर और गुस्से की ये साइड में देखिए, फोटो देखिए, साइड में नीचे लिखा हुआ है स्नॉलिंग और स्नॉलिंग के नीचे एक टाइगर बना हुआ है, टाइगर के टीथ निकले हुए हैं और टाइगर इज ट्राइंग टू वॉर्न समवन, किसी को वॉर्न कर रहा है, किसी पर गुस्सा कर रहा है, किसी को कह रहा है बोल पास में मत आना वरना हार्म पहुंचा दूंगा। तो दिस इज स्नॉल, टू मेक एन एंग्री साउंड वाइल शोइंग टीथ। ये तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स डॉग्स को भी करते हुए देखा होगा, डॉग्स करते हैं दूर से खड़े होकर। नेक्स्ट इज प्लम्प। प्लम्प मीन्स प्लीजेंटली फैट। प्लम्प स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं जो फैट तो हैं लेकिन अच्छे लगते हैं देखने में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मोटे होने के बावजूद भी बड़े प्लीजेंट लगते हैं देखने में, तो ऐसे को हम फैट ना कहकर वी शुड से प्लम्प। इस चैप्टर में बोला गया है प्लम्प डियर, जो हिरन होता है फ्लैशी, मोटा, गोल मटोल, उसको बोला गया है प्लम्प डियर। नेक्स्ट इज बियरिंग। बियरिंग मीन्स अनकवर्ड या शोइंग, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं नंगे। अनकवर्ड मीन्स जिसके ऊपर कवर ना हो, शोइंग यानी जो सब कुछ दिख रहा हो, तो नंगे। लेकिन ये नंगे क्या है, नंगा दांत, ये जब एनिमल्स गुर्राते हैं तो उनके दांत अनकवर्ड हो जाते हैं, उनके दांत शो होने लगते हैं। यहाँ पर देखिए आप वापस इसी में आइए, वेन द टाइगर इज स्नॉलिंग हिज टीथ आर बेयर, इन दिस पिक्चर द टाइगर हैज, द टाइगर इज हैविंग बेयर टीथ, यानी कि शोइंग टीथ है इसके, अनकवर्ड टीथ है। तो इसी बिल्कुल इसी सिचुएशन के लिए बेयर का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज फैंग्स, शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के जो शार्प टूथ होते हैं, टाइगर के, लाइन के, डॉग के, जिनसे वो फ्लैश को टियर करते हैं स्टूडेंट, तो दोज टीथ आर फैंग्स। क्लॉ। क्लॉ मीन्स लॉन्ग कर्व्ड नेल्स। साइड में जो एक पिक्चर लगा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज क्लॉ, ये लॉन्ग कर्व्ड नेल्स हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो लॉन्ग कर्व्ड नेल्स, ये दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस पार्ट ऑफ एनिमल्स इज क्लॉ। टेरराइजिंग। टेरराइजिंग मीन्स टू फील समबडी फ्राइटेंड, यानी किसी को डराना। टेरराइज करना मीन्स किसी को डराना, किसी को आतंकित करना। टाइगर है, टाइगर ने एक बार यदि एक दहाड़ लगा दी तो पब्लिक टेरराइज हो जाती है। ये गांव में आकर इन्होंने एक यदि रोल कर दिया, एक बार दहाड़ दिया, तो पूरे गांव की पब्लिक टेरराइज हो जाती है, यानी डर जाती है। नेक्स्ट इज सेल। सेल मीन्स स्टूडेंट्स अ स्मॉल रूम। सेल मीन्स अ स्मॉल
room. Bulls. In the starting of the video, I told you bulls means long, thin, straight piece of metal. हिंदी में मैंने बोला रॉड जो होती है, आयरन रॉड जो होती है, लोहे की रॉड, उसको बाल बोला गया है. लॉन्ग थिन स्ट्रेट पीस ऑफ मेटल, हम इसको सरिया भी बोल सकते हैं, आयरन रॉड भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टेयर. स्टेयर मीन्स टू लुक एट समबडी और समथिंग. स्टूडेंट्स वंस अगेन आई टेल यू एस बी स्टैंड फॉर समबडी एंड एस टी एच स्टैंड फॉर समथिंग. समबडी मीन्स कोई व्यक्ति and something means koi vastu. To look at somebody or something for a long time, person ki taraf ya kisi thing ki taraf ek long time tak continuously dekhte rehne ke liye hum bolte hain stare. Hindi mein baat kare to taktaki laga kar dekhte rehna. Patrol. Student, this is patrol. Patrol means to guard, yani ki kisi cheez ko guard karna, kisi cheez ki suraksha karna. To vigil, देखभाल करना, उसकी निगरानी करना. टू गार्ड मीन्स किसी चीज की सुरक्षा करना, टू विजिल मीन्स किसी चीज की निगरानी करना. टू गो अराउंड एन एरिया अ बिल्डिंग एट रेगुलर टाइम्स टू मेक श्योर दैट नथिंग इज रॉन्ग. किसी बिल्डिंग किसी एरिया के आसपास बार बार जाकर अराउंड लेना, केवल ये श्योर करने के लिए, ये एंश्योर मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए that nothing is wrong, कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है. रात में आप लोगों ने देखा होगा आपकी कॉलोनीज में, आपके मोहल्लों में, आपके शहर में पुलिस वाले आते होंगे राउंड लेने. तो वो किस लिए आते हैं? केवल ये मेक श्योर करने के लिए कि नथिंग इज रॉन्ग, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बस इसीलिए तो आते हैं. तो रात में जो गश्त लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रोलिंग. गश्त को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पेट्रोलिंग. ब्रिलियंट. ब्रिलियंट मीन्स वेरी ब्राइट. ब्रिलियंट मीन्स वेरी ब्राइट. ब्रिलियंट आईज होती हैं स्टूडेंट्स. ब्रिलियंट आईज, ही हैज ब्रिलियंट आईज, यानी कि उसकी चमचमाती आंखें. हम ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी वाली आंखें, ब्रिलियंट आईज को बहुत अच्छी नहीं, शाइनी आईज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू स्टूडेंट.